हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितिशा फन वर्ल्ड। सो हेलो रितिशा, हाउ आर यू? आई फाइन। ओके, तो रितिशा आज हम क्या करने वाले हैं? नकली दूध को क्या करने वाले? टेस्ट करने वाले। हाँ, सो फ्रेंड्स आज हम दूध का मैं एडल्ट्रेशन चेक करेंगे। तो आज हमारे पास होम किट है, उस होम किट से हम चेक करेंगे कि हमारे दूध में किस चीज की मिलावट है, हमारा दूध प्योर है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए? दूध, मिल्क, हाँ मिल्क, होम टेस्टिंग किट एंड ड्रिप ड्रॉपर। वी नीड ओनली 3 थिंग। अब देखिए होम टेस्टिंग किट का आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इसमें हमारे पास 4 स्ट्रिप है। देखिए पहली स्ट्रिप में आप देख सकते हैं टेस्टो मिल्क MQ2 चेक होता है, दूसरे में यूरिया कंटेंट चेक होता है, तीसरे में हमारा चेक होता है थर्ड में हमारा स्टार चेक होता है और फोर्थ में हमारा डिटर्जेंट चेक होता है। फर्स्ट में MQ2, सेकंड में हमारा यूरिया, थर्ड में स्टार्च मिक्सिंग, फोर्थ में हमारा डिटर्जेंट। देखिए जैसे कि ऊपर रेड कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे। अब रितिशा इसे 1x1 टेस्ट करेगी तो अब हम आपको 1x1 स्टेप दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं मिल्क की टेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम 4 टेस्ट करेंगे, MQ2 टेस्ट, यूरिया टेस्ट, स्टार्च टेस्ट और डिटर्जेंट टेस्ट। तो सबसे पहले हमने देखी MQ2 की स्ट्रिप ली है, MQ2 जो कि हमारे माइक्रोबियल लोड को बताता है। रितिशा चलो उसमें मिल्क डालो। अराउंड हमको 2-3 ml मिल्क ऐड करना है पर बॉटल। अब देखिए जैसे कैसे धीरे धीरे रितिशा इसमें मिल्क ऐड कर रही है। रितिशा और मिल्क ऐड करो। गुड, इसमें हमारा माइक्रोबियल क्वालिटी, ये फ्रेशनेस ऑफ मिल्क को बताता है कि हमारा मिल्क कितना फ्रेश है। जितना ज्यादा पुराना मिल्क होगा उसमें उतना माइक्रोवेव लोड जाता होगा। इसमें देखिए हमने एक ब्लू कलर की स्ट्रिप डाली है। अगर इसको हम करीब 10-15 मिनट तक का वेट करते हैं, अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब हमारा मिल्क फ्रेश नहीं है। हमने इसे घर में देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाइटी कलर है, बहुत लाइट ब्लू कलर आ रहा है, इसे कोई नहीं आया। अगर डार्क ब्लू कलर में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब, सॉरी फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें उल्टा बताया, अगर इसमें ब्लू कलर में रहता है तो इसमें ये देखिए ब्लू कलर आ रहा है मिल्क का, ब्लू कलर का मिल्क है, इसका मतलब मिल्क एकदम फ्रेश है। अगर ये व्हाइट कलर में ही रहेगा तो हमारा मिल्क फ्रेश नहीं है, पुराना है, इसमें माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया का लोड ज्यादा है, मिल्क ओल्ड है। जैसे कि आप देख लीजिए टेबल पर रखा हुआ है। देखिए अभी भी उसका ब्लू ही कलर है, कलर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम इस बॉटल को बंद करके अब सेकंड बॉटल, अब इसमें है हमारा यूरिया टेस्ट का। हाँ रितिशा ओपन द बॉटल। गुड, देखिए रितिशा ने बॉटल ओपन करी। अब इसमें से स्ट्रिप निकाली है, इसमें बेसिकली हमारे लिटमस पेपर होता है। यूरिया में परमिसिबल रेंज 70 mg-100 ml तक रहती है। देखिए ये एक स्ट्रिप निकलेगी। देखिए आप देख पा रहे हैं स्लाइट पिंकिश कलर की सी ये स्ट्रिप रहती है। अब इसके हम मिल्क ऐड करेंगे, सेम हम 2-3 ml तक मिल्क इसमें ऐड करते हैं। गुड, अब रितिशा अब इसमें स्ट्रिप डालो। देखिए अगर इस मिल्क का कलर चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, देखिए ये पिंकिश कलर दे रहा है, पिंक कलर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब मिल्क में मिलावट है, मिल्क इज एडल्ट्रेटेड। देखिए नहीं चेंज हुआ, बाकी ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है, हमें इस वाले रिजल्ट का वेट करने की नीड नहीं होती है।
अब हम इसके बाद करेंगे थर्ड टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, कि मिल्क में कहीं स्टार्च तो ऐड नहीं है। रितिशा, ओपन द थर्ड बॉटल। गुड, स्ट्रिप निकालो। यस, अब देखिए हम इसको स्ट्रिप ओपन करेंगे। इस स्ट्रिप में बेसिकली आयोडीन होता है। अगर आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लू कलर देता है। और हमें स्टार्च से क्या दिक्कत आती है, स्टार्च हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम करता है। मिल्क में अगर स्टार्च की दिक्कत होती है तो हमें फ्यूचर में ब्रीदिंग इशू आ सकते हैं। देखिए ये ब्राउनिश कलर की स्ट्रिप है। अब हम इसे ऐड करेंगे मिल्क में। देखिए रितिशा, इसमें मिल्क डालो। चलो बेटा, गुड, अराउंड 2 ml मिल्क लेंगे। अब देखिए मिल्क ऐड कर लिया। अब रितिशा स्ट्रिप डालो उसमें। हाँ, अब देखिए अगर इसमें ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। अगर सेम कलर रहता है इट मींस इट हैज नो स्टार्च। नाउ वी विल चेक द डिटर्जेंट कंटेंट, कि हमारे दूध में डिटर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि आजकल बाजार में जो दूध आ रहे हैं उसमें डिटर्जेंट होता है। तो आज हमने जो अपने घर में दूध मंगाया है उसका हम क्वालिटी चेक किया है हमने 4 लेवल पे, माइक्रोबियल टेस्ट में, यूरिया टेस्ट, स्टार्च। अब हम करेंगे डिटर्जेंट टेस्ट। अगर हमारे मिल्क में डिटर्जेंट रहता है तो हमें स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन, एसिडिटी, ये लॉन्ग टर्म में स्टमक को भी खराब करता है। देखिए रितिशा स्ट्रिप खोल रही है। रितिशा ओपन द स्ट्रिप एंड शो। अब रितिशा दूध डालो। हाँ गुड, 2 ml मिल्क रितिशा। यस, देखिए इसने मिल्क ऐड कर लिया है। अब इसमें स्ट्रिप, तो अभी मिल्क पहले लाइट येलो कलर हो जाएगा, लाइट येलो कलर का रहेगा, और अगर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, डिटर्जेंट की मिलावट है। अगर ये लाइट येलो रहता है तो इट हैज़ नो इशू। अब आप देख सकते हैं, अब हमारा क्या कहते हैं चारों तरह के मिल्क है, मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, वो ब्लू कलर में MQ2 तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये व्हाइट में रिकन्वर्ट हो जाता तो इसमें मिलावट होती, यूरिया, स्टार्च एंड वाओ मजा आ गया। हमारा दूध तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं एडल्ट्रेशन फ्री है, उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, फॉर लाइक दिस फन, एंटरटेन एंड एजुकेशन वीडियो, प्लीज डू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, लव यू।